और 2024 के चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार में बड़े बदलाव और यूसीसी को लेकर बीजेपी में मंथन चल रहा है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक कल करीब 8 घंटे तक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मॉनसून सेशन की तैयारियों को लेकर बैठक की। नड्डा से सबसे पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और भूपेंद्र यादव मुलाकात करने पहुंचे। नड्डा से ये मुलाकात संगठन मंत्री बीएल संतोष की मौजूदगी में हुई। बैठक मुख्य तौर पर संसद के आगामी मानसून सेशन में उठाए जाने वाले मुद्दों खासकर यूसीसी के इर्द गिर्द हुई। इन दोनों मंत्रियों की बैठक खत्म होने के बाद नड्डा से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी मिले। रिजिजू जी कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी उठा चुके हैं, लिहाजा उनसे यूसीसी के मुद्दे पर आने वाले विषयों के बारे में नड्डा ने चर्चा की। रिजिजू के बाद मौजूदा केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात के लिए बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। बताया जा रहा है कि पुष्कर धामी उत्तराखंड यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करवाने से पहले तमाम बीजेपी केंद्रीय नेताओं से मशवरा करने के लिए दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। कल उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की। इस बीच पूर्व कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे और आखिर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण।